वाकई आप अपने हाथों तले उंगली दबा लेंगे किस तरीके से बच्चों ने कई दिनों की कई कहा जाता है हफ्तों की मेहनत आपके सामने जिस तरीके से प्रस्तुत करेंगे आप खुद ही अपने आप को एक रोमांचित महसूस विश्व भर में अपना प्रथम स्थान रखेगा इसका हमें पूर्ण विश्वास है। ग्लोबल और जिला पुनः बहाल होने पर हम फिर इस भव्य परेड को आपके सामने लेकर आए और ये बहुत ही शुभ दिवस है। और जब भव्य परेड का प्रदर्शन हो और आप जरा जोरदार ताली बजाएंगे बच्चे जहां पर परेड का और हमारी सभी देवियों का दर्शन कर रहे हैं विकास एवं पुष्ट आहार मंत्री है उत्तर प्रदेश राज्य सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए और उनके साथ ही अपना कुशल नेतृत्व देते हुए हमारे कप्तान साहब आदरणीय श्री सलामी मंच की ओर और कुछ ही देर के बाद पश्चिम कमान हम मनाते जाएं और इस समय हमारे फर्स्ट प्लेटून में सलामी मंच से आगे से गुजरते हुए हमारी परेड को कमांड देते हुए सभी बच्चों से निवेदन करा जोरदार तालियों के साथ
सुंदरता के साथ हमारे जरा जोरदार तालियों के साथ कमान लेते हुए कंधे से कंधा मिलाते हुए प्रदर्शित करते हुए हमारे जिले की ये भव्य पुलिस परेड पुलिस पुलिस अधिकारी ये बहुत ही कम समय में इस भव्य परेड का आयोजन हुआ और दूसरी पूरा श्रेय जाता है हमारे जिले की पुलिस को पूजा करते लोगों हमारे सभी पुलिस कर्मियों से हमारा हॉर्स राइडिंग एमएनएस स्कूल से जनवरी 1949 को संविधान सभा ने हमारा संविधान भी पास कर दिया। हिंदुस्तान में संविधान लागू किया गया और पहली दफे 1952 में इसी संविधान के अनुसार देश में जनतांत्रिक प्रणाली से नोएडा गौतम बुद्ध नगर जनपद द्वारा यहाँ पर बिजली का कारखाना लगाने का जो निर्णय लिया गया है वो गौतम बुद्ध नगर ही नहीं उत्तर प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा अहम संस्थान होगा। आज के रास्ते में हम सब मिलकर के काम करें यही आज के लिए हमारे लिए और आपके लिए गौरवशाली दिन के लिए आमंत्रण होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुलिस अधीक्षक को बधाई देता हूँ अधिकारीगण और पुलिस के जवानों को भी मैं बधाई देता हूँ तथा अन्य बंधुओं को भी बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इस ऐतिहासिक दिन को महत्व को समझते हुए यहाँ पर जोरदार तालियों के साथ हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी का अभिनंदन और स्वागत। महत्वपूर्ण अवसरों पर कर्तव्य पालन के फलस्वरूप 162 बार नगद पुरस्कार एवं 77 बार प्रशंसा पुरस्कार प्रदान की गई। इनकी सराहनीय सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश परिचय हमारे करते हुए और इस
इस भव्य नृत्य प्रदर्शन के बाद हमारे सभी पांचवें नंबर में दिल्ली पब्लिक स्कूल, छठे नंबर में आएंगे सफल विद्या स्कूल के बच्चे तैयार हैं, दसवें नंबर पे कैंबरी स्कूल के बच्चे होगा। देखिए छोटे छोटे बच्चे आपके सामने किस मुस्तैदी के साथ आ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि जब बच्चे आपके सामने आए